गणेश पूजा से राम मंदिर उत्सव की शुरुआत। आज सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का लेने वाले हैं जायजा। 5 अगस्त को प्रोग्राम को लेकर बढ़ाई गई सिक्योरिटी, बाहरी लोगों के दाखिले पर रोक। जी मीडिया पर पीएम मोदी के प्रोग्राम के दावतनामे की एक्सक्लूसिव तस्वीर। अयोध्या में 5 अगस्त को होना है भूमि पूजन। कोरोना के सबब महदूद लोगों को भेजी गई है दावत। भूमि पूजन के दौरान रामलला कुहारे और केसरिया रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे। रामलला सेवा ट्रस्ट ने इसे रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपा। बाबरी मस्जिद के फरीक रहे इकबाल अंसारी ने राम मंदिर को अयोध्या का गौरव बताया। कहा, मैं भी श्री राम को मानता हूं, अगर पीएम मोदी से मिलने का मौका मिला तो उन्हें रामचरितमानस गिफ्ट करूंगा। अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर रेलवे स्टेशन भी शानदार होगा। 104 करोड़ से ज्यादा की कीमत से रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है। अयोध्या पहुंचने वालों के लिए सहूलत का ख्याल रखा जा रहा है। वजीर दाखला अमित शाह कोरोना मुतासिर हो गए हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल हैं। डॉक्टर सुशीला कटारिया उनका इलाज कर रही हैं। वजीर दाखला ने ट्वीट कर अपने कोरोना मुतासिर होने की जानकारी दी। वजीर दाखला अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। हाल ही में दोनों की मुलाकात हुई। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने वजीर दाखला अमित शाह के जल्द सेहतमंद होने की दुआ की। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा, कोरोना पर चैलेंज अमित शाह फतह हासिल करेंगे। अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर्स, नर्सों और फैंस को शुक्रिया कहा। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नानावती अस्पताल से कल उन्हें छुट्टी मिली। डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए। अब घर पर ही क्वारंटीन रहेंगे। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और यूपी बीजेपी सांसद स्वतंत्र देव सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों का इलाज जारी है। लोगों ने जल्द सेहतमंद होने की दुआ की। कर्नाटक के वजीर आला बी एस येदुरप्पा कोरोना मुतासिर पाए गए। खुद ट्वीट करके जानकारी दी। डॉक्टर्स की सलाह पर एहतियातन अस्पताल में दाखिल किए गए। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 17,50,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक 11,45,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए। इसी के साथ इलाज से ठीक होने की शरह 65.43% हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के कल 9,509 नए केस मिले। इसी दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 260 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कल 9,926 मरीज ठीक हो गए, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मुंबई में गुजशत 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,105 नए केस मिले। इसी दौरान यहां वबा से 49 लोगों की मौत हो गई। धारावी में कोरोना वायरस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 79.56% हो गया। मुल्क के दारुल हुकूमत में अब 7.52% एक्टिव मरीज ही बाकी। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने मुंबई पहुंचे पटना के सिटी एसपी विनय कुमार तिवारी को मुंबई पुलिस ने 15 अगस्त तक क्वारंटीन किया। बिहार के आईपीएस ऑफिसर को सीआरपीएफ गेस्ट हाउस में रखा गया है। पटना के सिटी एसपी विनय कुमार तिवारी को क्वारंटाइन करने पर बिहार के डीजीपी ने नाराजगी भरा ट्वीट लिखा। बीएमसी मुलाजमीन रात 11 बजे उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया। गुजारिश करने के बावजूद आईपीएस मेस में रुकने का इंतजाम नहीं किया गया। पटना के आईपीएस पर कार्रवाई को लेकर मुंबई पुलिस के जराये ने सफाई दी है। कहा गया कि आईपीएस ऑफिसर्स मेस बंद है, वहां पहले ही कोरोना मरीज पाया जा चुका है। सिर्फ एक ऑफिसर को क्वारंटीन करने पर उठे सवाल। एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने से सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया। लिखा, ड्यूटी पर भेजे गए एक ऑफिसर को क्या 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा सकता है। आज रक्षाबंधन और सावन का आखिरी सोमवार है। पूरे मुल्क में भगवान शिव के मंदिरों में खुसूसी पूजा हो रही है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते मंदिरों में भी अकीदतमंदों को एंट्री नहीं दी जा रही। रक्षाबंधन के मौके पर सदर जमहूरी रामनाथ कोविंद ने मुल्क से खुसूसी अपील की है। उन्होंने भाई बहन के पास त्योहार पर पूरे मुल्क को मुबारकबाद दी। खवातीन का एहतराम करने का हलफ लेने की अपील। असम में सैलाब का खतरा कम हुआ। कोकराझार जिले में एनडीआरएफ की टीम ने सैकड़ों लोगों को बचाया। इलाके के 176 गांव सैलाब से मुतासिर।
बिहार के 14 जिलों के 53 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से बुरी तरह मुतासर हैं। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। बिहार के छपरा जिले में दर्जनों गांव के लोग टेंट में जीने को मजबूर हैं। सड़क किनारे बच्चों के साथ गुजारा कर रहे लोग सैलाब की वजह से लोगों के घर डूब गए। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में शारदा और घाघरा नदियों का पानी तुगयानी पर है। कई गांव में कटान शुरू हो गया है। बहुत से लोगों के घर पानी में डूब गए। इंतजामिया से लोग नाराज।